हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो कि आपने नहीं सुने होंगे, वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजौन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजौद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म के द्वारा और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3/10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए, तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं।
हालांकि इस फिल्म को कौन से YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का। दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही हैं और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है जो कि आर्यन की माँ होती हैं। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासूल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजौन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि यह फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है जहां उसकी मुलाकात उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है
क्या सिफ्रा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। आप Amazon Prime Videos के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा ये फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे, और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजौन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजौद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है
वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर। तो Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकल कर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 23.3544 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं, तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर शिफ्रा का रोल कर रही हैं और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है, जो कि आर्यन की माँ होती है। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और गुरुसा ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सहकर्मचारी भी है। माही राज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिम टिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजौन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि यह फिल्म को इस फिल्म की कहानी
और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल्स के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस का रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है जो इंसान की तरह दिखती है इंसान की तरह काम करती है इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है क्या सिफरा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। आप Amazon Prime Videos के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन संगीत छायांकन अभिनेता निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है।
जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजौन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजौद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3/10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकल कर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आप इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही है और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही है। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है, जो कि आर्यन की माँ होती है। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। राहुल
रासूल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और गुरुसा ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिरा जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजौन और उनकी अगली फिल्म रोबोट रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि ये फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है, जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है। और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है, जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है, हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। आप Amazon Prime Videos के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे। और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं।
इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजौन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजौद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3/10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का
ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकलकर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था, और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही हैं, और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहां पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है, और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है, जो कि आर्यन की माँ होती हैं। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं, और गुरुसा ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है, और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजौन और उनकी अगली फिल्म रोबोट रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि ये फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है, जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है, जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है, और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है, जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है, और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है, हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है, और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है, या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। आप Amazon Prime Videos के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा ये फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है
वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे, और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजौन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष बागची, सचिन जिगर और मिजौद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 out of 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए
तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओटीटी के प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम वीडियोस के ऊपर। तो एमेजॉन प्राइम वीडियोस के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही हैं और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है जो कि आर्यन की माँ होती है। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और ग्रुसा ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजॉन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि यह फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा
खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीजें जो है वो काफी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहां से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीजें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर। आप अमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे, और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलता है ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो जिस जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजॉन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष बागची, सचिन जिगर और मिजाद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मेडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है
वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था, और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है, और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस के ऊपर। तो Amazon प्राइम वीडियोस के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकल कर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में, कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं, तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था, और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर शिफ्रा का रोल कर रही हैं, और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जया सिंह अभिनेत्री धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है, और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है, जो कि आर्यन की माँ होती हैं। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं, और गुरुसाब ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिम टिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है, और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजॉन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि यह फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए, तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी
सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस का रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है जो इंसान की तरह दिखती है इंसान की तरह काम करती है इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है क्या सिफरा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर। आप Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन संगीत छायांकन अभिनेता निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी।
अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजॉन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजाद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 out of 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही है और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही है। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है, जो कि आर्यन की माँ होती है। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और गुरुसा ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सहकर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने
चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जानवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजन और उनकी अगली फिल्म रोबोट रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि यह फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर अगर बात किया जाए, तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है, जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है, जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है, और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है, उससे होती है, जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है, और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है, हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है, और वो चीजें जो है वो काफी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहां से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है, या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीजें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, यह फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर। आप Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे, और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और
इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजौद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 out of 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और
जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा, वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही हैं, और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है, और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश बेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है, जो कि आर्यन की माँ होती हैं। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं, और गुरुसाब ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है, और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई हैं रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजौन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि यह फिल्म को, इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए, तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है, जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है, जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है, और उसकी चाची उसे संयुक्त, यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी जो मौसी है उसकी रचना, उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है, उससे होती है, जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है, और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है, हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है, और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है, या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, यह फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर। आप Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे, और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियंस मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो कि आपने नहीं सुने होंगे, वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजाद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 out of 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए, तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं।
हालांकि इस फिल्म को कौन से YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आपकी इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही है और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही है। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है जो कि आर्यन की माँ होती है। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासूल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और गुरुसाब ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जानवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई है रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजौन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है
क्या सिफ्रा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीजें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, यह फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर। आप Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको यूट्यूब के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे। और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजॉन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजाद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है
वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस के ऊपर। तो Amazon प्राइम वीडियोस के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आप इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 23.3544 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं, तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा, वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर शिफ्रा का रोल कर रही हैं और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जया सिंह अभिनेत्री धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है, जो कि आर्यन की माँ होती हैं। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और गुरुसाब ग्रोवर ने इस कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिम टिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई हैं रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजॉन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि यह फिल्म को इस फिल्म की कहानी
और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल्स के द्वारा किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस का रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है जो इंसान की तरह दिखती है इंसान की तरह काम करती है इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर। आप Amazon प्राइम वीडियोज़ के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन संगीत छायांकन अभिनेता निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है
जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजॉन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजाद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और इस फिल्म मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी कि इसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी, यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 out of 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आप इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही है और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है जो कि आर्यन की माँ होती है। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। राहुल
रासूल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और गुरुसा ग्रोवर ने इस कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं, जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिरा जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई हैं रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजन और उनकी अगली फिल्म रोबोट रोम रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि ये फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए, तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है, जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है, जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है। और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है, उससे होती है, जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है, हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, यह फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर। आप Amazon प्राइम वीडियोज के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे। और टेलीविजन वाला भी अपडेट्स जो भी आएगा हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल्स पर हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर सर के फैन हैं और प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज या फिर साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से कब और कहां पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से देते रहते हैं।
इस वीडियो के अंदर हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आपने नहीं सुने होंगे वो सारे बताएंगे। उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संगीत, छायांकन, अभिनेता, निर्माण और इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बजट के बारे में बताएंगे, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ही इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर आपको डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे और फिल्म के ऊपर एक चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यह फिल्म 2024 साल की एक भारतीय हिंदी भाषा की कल्पित विज्ञान यानी साइंस फिक्शन के ऊपर प्रेम संयुक्त कॉमेडी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर और कृति सैनन ने काम किया है। इस फिल्म को मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत निर्मित किया गया है। यह फिल्म अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखा गया है और निर्देशित भी किया गया है, जो कि उनके निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म को चिन्हित करता है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और अब जो और 2023 में इसकी शूटिंग समाप्त भी कर ली गई थी। अगर बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, तो फिल्म को निर्देशित किया है अमित जोशी और आराधना शाह ने। इस फिल्म के जो लेखक हैं वो हैं अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश विजॉन, ज्योति देश पांडे और आराधना शाह। इस फिल्म के मुख्य कलाकार शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं। इस फिल्म को छायांकित किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इस फिल्म को संपादित किया है मनीष प्रधान ने। फिल्म अगर संगीतकार की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर दिया है सचिन जिगर ने और जो गाने हैं वो राघव, तनिष्क बागची, सचिन जिगर और मिजाद ने दिए हैं। फिल्म को निर्मित किया गया है मैडॉक फिल्म्स के द्वारा और मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के द्वारा। फिल्म के जो वितरण है यानी किसको वितरित किया गया था, हालांकि यह एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, तो इस फिल्म को पेन मधुरकर एंटरटेनमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस फिल्म की जो कार्यक्रम अवधि है वो 143 मिनट की है और इस फिल्म को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था और भी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था यानी बाद में डब किया गया था। फिल्म का जो लागत है वो 79 करोड़ रुपए का था और 85 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने 133.64 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है और यह फिल्म एक व्यावसायिक हिट फिल्म रही थी यानी सफल फिल्म रही थी। बात करें इस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया, तो दोस्तों इस फिल्म को 6.3 out of 10 की एक शानदार रेटिंग IMDb की तरफ से मिली है और वहीं पर 87% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आप साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं। अगर उसकी तलाश में है साइंस फिक्शन मूवी देखने के, तो बॉलीवुड में आपको यह फिल्म साइंस फिक्शन का एक अच्छा फिल्म देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। तो Amazon Prime Videos के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन यह फिल्म उपलब्ध है, आप वहां पर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कौन से YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली तरीके से निकलकर सामने नहीं आई है। बात करें टेलीविजन की, तो आपको वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टेलीविजन में आप इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो किस कंपनी ने खरीदे हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीजिंग के बारे में कि इसके रिलीजिंग में क्या अटकने थी। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इसके पहले इस फिल्म को 2023 में 7 सितंबर को रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से। बॉक्स ऑफिस के ऊपर 12 अप्रैल 2024 को यह फिल्म ने 35.44 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और विदेशों में 20.09 करोड़ रुपए का, दुनिया भर में कुल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो कि मैंने बताया कि 133 करोड़ रुपए का
ये टोटल बॉक्स ऑफिस पे आंकड़ा निकल कर सामने आया। गानों की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जो गाने हैं तकरीबन 3 गानों को लोगों ने काफी पसंद भी किया था और जो गाने हैं तनिष्क बागची द्वारा वो गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा किरदार प्ले किया है। तो इस फिल्म के अंदर आपको शाहिद कपूर आर्यन अग्निहोत्री उर्फ आरू का रोल करते हुए नजर आएंगे। कृति सनोन इस फिल्म के अंदर सिफरा का रोल कर रही हैं और जो कि सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। धर्मेंद्र ने इस फिल्म के अंदर जय सिंह अग्निहोत्री का रोल किया है और डिंपल कबाड़िया उर्मिला वेदी का रोल करते हुए आपको इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी। राकेश वेदी इस फिल्म के अंदर आर्यन के पिता का रोल कर रहे हैं। अनुभया फतेहपुरिया ने इस फिल्म के अंदर शर्मिला अग्निहोत्री का रोल किया है जो कि आर्यन की माँ होती हैं। राजेश कुमार ने इस फिल्म के अंदर आर्यन के मामा का रोल किया है। रासुल टंडन इस फिल्म के अंदर पप्पू का रोल कर रहे हैं और गुरुसाहब ग्रोवर ने कपूर ने इस फिल्म के अंदर बुआ का रोल किया है। फूफा जी का जो रोल है वो किया है ब्रिजभूषण शुक्ला ने। अमीश वर्मा इस फिल्म के अंदर मोंटी का रोल करते हुए नजर आए हैं जो कि आर्यन का मित्र भी है और सह कर्मचारी भी है। माहिराज जैन ने इस फिल्म के अंदर टिमटिम का रोल किया है। सोगनक दुग्गल ने इस फिल्म के अंदर चिंटू का रोल किया है। शिवानी सोपुरी ने पम्मी का रोल किया है और इस फिल्म के अंदर चिरांश ने जो रोल किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म के अंदर काम किया है, जबकि जाह्नवी कपूर एक विशेष कैमियो इस फिल्म के अंदर करते हुए नजर आई हैं रिया के रूप में। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो अगस्त 2022 में शाहिद कपूर और कृति सनोन को दिनेश बिजौन और उनकी अगली फिल्म रोम कॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। उत्पादन अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और 2023 में समाप्त भी हो गया। बाद में इसका शीर्षक जो है वो 2024 में चेंज करके तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें कि ये फिल्म को इस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के टेलीविजन के बारे में अगर बात किया जाए तो टेलीविजन के किस चैनल के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीदे गए हैं अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है तो हम आपको वहां पर भी बता देंगे। बहुत बार अनऑफिशियली भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है और थोड़ी सी क्रिटिकल है। इस फिल्म में कहानी दिखाया जाता है कि इस फिल्म में आर्यन की कहानी है जो एक स्मार्ट रोबोटिक साइंस इंजीनियर है जो अपनी मौसी की कंपनी रोबोटिक्स में काम करता है और उसकी चाची उसे संयुक्त यानी उसकी जो बुआ है वो उसकी जो मौसी है वो उसे अमेरिका में आमंत्रित करती है जहां उसकी मुलाकात उसकी उसकी जो मौसी है उसकी रचना उन्होंने एक रोबोट बनाया रहता है जिसका नाम सिफरा होता है उससे होती है जो इंसान की तरह दिखती है, इंसान की तरह काम करती है, इंसान की तरह बात करती है। आर्यन को सिफरा से प्यार हो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वास्तव में वो एक लड़की नहीं है और एक रोबोट है। अब वो दुखी होकर जाके भारत वापस लौट आता है और जैसे ही वो शादी करने के लिए सहमत होता है हालांकि इससे भारत में सिफरा का परीक्षण करने का भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद शादी के दिन सिफरा खराबी आने पर अराजकता फैला देती है और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। अब वहाँ से आगे क्या होता है, क्या सिफरा से उसकी शादी होती है या फिर एक रोबोट और एक इंसान की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म का जो थीम है वो एक आम आदमी यानी नॉर्मल आदमी और एक मशीन के द्वारा मशीन से आकर्षित होकर उससे प्यार करने की कहानी पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आप अलग टाइप की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में तो आप इस फिल्म को कंसीडर कर सकते हैं। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है OTT के प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos के ऊपर। आप Amazon Prime Videos के ऊपर इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको YouTube के कौन से चैनल पर आएगा इससे रिलेटेड अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में हम तक पहुंचेगा हम आपको जरूर बताएंगे। और